साथियों जय हिंद। बिहार पुलिस की एग्जाम अब होने वाली है और डेट आपके सामने है। आप सभी कमर कस के तैयार हो गए होंगे। आप सभी 18 लाख अभ्यर्थी एग्जाम देने जा रहे हैं और मौसम बिल्कुल बदल चुका है। आप सभी ने देखा जो गाइडलाइन है, एग्जाम कैंसिल हुई उसके बाद आयोग बिल्कुल चढ़ी हुई है बिहार पुलिस पे, और चढ़ना भी जरूरी है क्योंकि एग्जाम कंडक्ट कराने में बहुत खर्चे होती हैं, बहुत सिस्टम है और एग्जाम कराई जाती है तो फेयर तरीके से अगर एग्जाम नहीं होगा तो फिर इससे आयोग को भी दिक्कत होती है, बदनामी होती है और बहुत सारी खर्चे होते हैं। अब क्या है कि जो स्टूडेंट पढ़ाई किया उसको क्या मिला, उसके हाथ में बिल्कुल कुछ नहीं मिल पाता है क्योंकि एग्जाम जो है फेयर तरीके से नहीं हो पा रही थी। अब इसके ऊपर बिहार पुलिस के लिए काफी दिनों से नजर है। 11,000 सिपाही बहाली हुई, 8,415 बहाली हुई, मद निषेध की एग्जाम हुई, उसके बाद 21,391 की एग्जाम हुई और ये बहाली फंस गई। फंसने का कारण है बहुत बड़ी स्कैम, बहुत बड़ा घोटाला। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ चर्चा करूंगा और मैं बहुत कुछ सुन रहा हूँ। अभी मैं एक दिन पहले अभी ग्राउंड बनाने में बिजी था, बिहार पुलिस की बहाली है और गांधी मैदान बंद हो चुकी है तो नाला रोड में हम सभी ने ग्राउंड बनाया है 15 अगस्त को लेके, तो उसके लिए हम उसमें बिजी थे। लेकिन जब मैं सुना तो मैं आज दिन में ही वीडियो बना रहा था लेकिन वीडियो बना नहीं पाया क्योंकि कुछ गेस्ट आ गए हमारे पास उसके लिए कि बिहार पुलिस की जो एग्ज़ाम हो रही है उसमें डॉक्यूमेंट गांधी मैदान के जो ट्रेनर हैं डॉक्यूमेंट उठा रहे हैं, ऐसा मैं कहीं से सुना। साथियों मैं आप सभी 18 लाख अभ्यर्थियों को क्लियर कर देना चाहता हूं, बिल्कुल क्लियर साफ शब्दों में कि अगर आप और जो ऐसे बोलते हैं, जो बोल रहे हैं वर्तमान में, अगर ऐसा जानते हैं तो उसका नाम डायरेक्ट क्यों नहीं लेते हैं। एक समूह है गांधी मैदान, वहां बहुत सारे ट्रेनर हैं, उसकी भी डिग्निटी है, उसकी भी इज्जत है, उसकी भी रिस्पेक्ट है, ये ऐसा क्यों नहीं करते हैं। उसका डायरेक्ट नाम बोलिए, उसको अरेस्ट करवाइए, उसको जेल भेजिए क्योंकि उसको जेल भेजना भी जरूरी है। अगर ऐसा कोई कर रहा है, ऐसा कोई गिरोह है तो उसका आपको खुलासा करना चाहिए क्योंकि ये समाज के लिए, कल हो के हमारा भाई भी एग्जाम देगा, हमारी गांव की बहनें भी एग्जाम दे रही हैं, उनके साथ भी फेयर होना चाहिए। गांव से लड़कियों को निकलने नहीं मिलता है लेकिन लड़कियां लाइब्रेरी में दिन रात पढ़ रही हैं, ये उम्मीद लेकर पढ़ रही हैं कि बिहार पुलिस में इस बार क्या होगा, चोरी नहीं होगा। अगर चोरी होता है तो उन अभ्यर्थियों पर क्या बीतेगा। आप एक बात जान लें, सभी एक जैसे घर से नहीं आते हैं और एक जैसे मानसिकता के लोग नहीं हैं और एक जैसे हो भी नहीं सकते हैं क्योंकि सबका नेचर अलग अलग होता है और सभी लोग एक जैसा रहना पसंद नहीं करते हैं। आप अगर अपने दोस्त को ही सुझाव देंगे तो उसको पसंद नहीं आएगा। तो मैं अपनी जिम्मेवारी लेता हूं और मैं अपनी जिम्मेवारी लेते हुए आप सभी को बता देना चाहता हूं कि अगर कोई ऐसा बोलता है तो यह दिल में चोट पहुंचाता है, इसके सिवा और कुछ नहीं होता है। अगर किसी ट्रेनर को आगे बढ़ना है, जो इर्द गिर्द हैं और ये मतलब बोलते हैं वीडियो में आके कि गांधी मैदान के ट्रेनर ऐसा कर रहे हैं, तो आपके अंदर क्षमता होना चाहिए। मैं भी खुले मैदान में दौड़ाता हूं और आप भी खुले मैदान में दौड़ाते हो, आप भी गरजते हो, मैं भी गरजता हूं, लेकिन अगर दम है तो मेरे से आगे निकलो, दम है तो आप हमसे आगे निकलिए, नहीं तो अगर आप में दम नहीं है तो आप फ्लॉप कर जाओगे मार्केट में, याद रखना। और बच्चे इतने बेवकूफ नहीं है, जो आप इस तरीके से बोलते हो तो इससे कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। ये सच्चाई है कि एग्जाम सही तरीके से होना चाहिए और ये भी सच्चाई है कि गलतियां हो रही हैं, तो उनको टारगेट करोगे ना कि जो गलती कर रहे हैं उनको क्यों इसमें लपेटना है कि जो गलत नहीं है। हम सभी भी उसी माँ बाप के बेटे हैं जहां से वो गरीब बच्चे माँ बाप के बेटे आ रहे हैं और एग्जाम को दे रहे हैं, मैं उनकी फीलिंग्स के साथ कैसे खेल सकता हूँ। मैं भी जानता हूँ पूरे बिहार के सिस्टम को और अभी भी थोड़ा सा बिलीव नहीं होता है, लेकिन हम सभी कदम से कदम मिलाकर जो भी इसके लिए आवाज उठा रहे हैं मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। आपको याद होगा 8,400 बिहार पुलिस बहाली, हमने उस बहाली में अपनी जान लगा दी और जान लगा देने के बाद मैंने रिजल्ट भी दिया और अभ्यर्थी काफी सपोर्ट भी किए। लेकिन 21,000 जो बहाली है उसमें आपने देखा कि शुरू से NCLEWS के लिए बच्चे काफी ज्यादा परेशान थे, उसके लिए भी हम लोग सारे ट्रेनर खड़े हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग खड़े नहीं है, हम लोगों ने भी वीडियो बनाया, जो नहीं बनाया उसके बारे में हमको जानकारी नहीं है, लेकिन जो बनाए हैं 2-3 ट्रेनर उनके बारे में मुझे जानकारी है।
ठीक है, और हम लोगों ने उसके लिए वीडियो बनाया, प्रोटेस्ट किया एग्जाम कैंसिल के लिए। क्यों नहीं प्रोटेस्ट करेंगे यार, मैं आपकी रोटी खाता हूँ, मैं आपकी कमाई खाता हूँ, मैं आपको ट्रेनिंग दे के पैसा कमाता हूँ, तो मुझे पूरा हक है आपके लिए लड़ना, और जहां तक लड़ना पड़े मैं लड़ूंगा, ठीक है ना। ऐसा भागने वाला मर्द नहीं हूं, और मैदान के छोड़ जो मैदान को छोड़ के भाग गया वो बेटा नहीं कहलाता है। हम लोग मैदान को छोड़ के भागने वाले लोग नहीं है, हम अपनी जान को लगा देंगे आपके लिए। और अगर ऐसा होता है जो जनरली अभी अब जो बोला जा रहा है, ठीक है ना, तो वो चोट पहुंचाता है दिल में, ऐसा नहीं है, चोट पहुंचाता है। हम किसी से लड़ने वाले नहीं है भैया, अगर आप जानते हो, अगर आपको किसी भी तरीके से जानकारी है तो आप उसका नाम उजागर करें और उसको जेल भिजवाने का काम करें, ऐसे गिरोह का पर्दाफाश करें, क्योंकि ये सरासर गलत है। अब देखिए, अब होता यह है कि जो कुछ बच्चे हैं, बच्चे अभी वीडियोस पे, अगर अभी जस्ट आधे घंटे पहले मैं फोटो डाला, उस पर कमेंट किया कि डॉक्यूमेंट उठाए हो, ये सब बात अगर आप बोलते हैं तो आप प्रूफ के साथ बोलिए, आपको जानकारी अगर है तो सीना तान के बोलो, उसको देखा जाएगा और जेल भिजवाने का काम करो। और ऐसे बोल के अगर आप बोलते हैं तो आप बेवकूफ हैं, ऐसे बोलना सही नहीं है किसी को भी, क्योंकि हर आदमी के दिल में एक ऐसा डिग्निटी होता है कि अगर वो हर्ट हो गया ना तो फिर सही नहीं रहेगा, वो हर्ट नहीं होना चाहिए। आप इस तरीके से अगर बोल रहे हैं तो गलत है, या आप अभ्यर्थी हो या कोई भी हो, आप डायरेक्ट बोलिए उनको, और अगर कुछ आप जानते हैं तो खुलियाम आके बोलिए किसी के बारे में, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और आप सभी जो अभ्यर्थी हैं, बिहार पुलिस के एग्जाम देने जा रहे हैं, आप सभी भी जान लें कि अगर ऐसा हो रहा है तो आप भी जाओगे तेल लेने, याद रखना। आप अगर किसी के साथ सांठ गांठ रख रहे हो, बात कर रहे हो किसी दलाल से, और कहीं भी आपके एग्जाम है, तो ये नियम सिर्फ दलाल के लिए नहीं है, आप भी जेल जाएंगे। इसलिए आप भी पूरी तैयारी में लगे, अपने तैयारी पे ध्यान दें, पढ़ाई पे ध्यान दें, करियर आपकी है। अगर आपकी करियर बर्बाद होती है, अगर एग्जाम के टाइम लैप्स हो जाती है, तो इसमें दलाल आपका कुछ नहीं करेगा, वो बस पैसा बनाने के लिए आपके सामने है, और वो आपको ऐसे ही छोड़ जाएगा। तो याद रखिए साथियों, आप सभी जितना पढ़े हैं उससे मेहनत करें, आगे बढ़ें, और समाज में एक अपना अलग पहचान बनाएं, हम सभी की यही प्रयास होती है। जैसे आज आप हम सभी को जानते हैं तो ये हमारा मेहनत से जानते हैं, ठीक है ना। कोई खैरात में पैसा नहीं देता है, अगर मैं अच्छा ट्रेनिंग दे रहा हूँ तब आप मेरे पास आ रहे हो, फ्री का आप नहीं आ रहे हो, मेरा नाम है तब आप आ रहे हो। हमने भी पसीना बहाया सुबह में 4 बजे उठ के, हमने भी खून की बारिश कर दी, ठंडा गर्मी बरसात कुछ नहीं समझा, परिवार को छोड़ा। तो ऐसा नहीं है कि हर ट्रेनर जो है यही काम करने के लिए पैदा लिया है, हम भी ये गुरु हैं, और उधर भी ये जो पढ़ाते हैं वो भी गुरु हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि हम सभी गरीब परिवार से उठ के आ गए, पैसे की किल्लत है, मरे जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। हमने भी पैसा कमाया है, हमने भी खून पसीने बहाए हैं और मेहनत से कमाया है, और इसको मेहनत हमेशा रंग लाती है। इसलिए आप सभी को शुभकामनाएं हैं, और इन सब चीज़ों को मन से निकाल दीजिए। अगर आप में दम है तो आपका रिजल्ट होगा, और चोरी अगर होती है तो हम सभी फिर देखना क्या करते हैं, इस बार बढ़ चढ़ के हम लोग आएंगे और कदम से कदम मिला के उस समय सभी एक होंगे और उस पे आवाज उठाएंगे और आप सभी के हित में आवाज उठाएंगे। आप सभी निश्चिंत रहें, आश्वस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।